बहुत ही पुराने मंदिर में, जहाँ पहुँचने के लिए आपको शहर के बस स्टैंड से होते हुए लाल पुल आना होगा। फिर वहाँ से अंदर जाने पर एक चौक आता है और चौक के बाई और थोड़ा चलने पर आपको एक विशाल द्वार दिखाई देता है। यही है वो स्थान जिसको बागेश्वर जी महादेव के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ का नाम बागेश्वर जी कैसे पड़ा होगा। प्राचीन समय में लगभग 1200 वर्षों से अधिक समय के पहले की बात है, ये स्थान केवल मात्र कुओं व कृषि के उपयोग में आता था। उस समय यहाँ पहाड़ी के नजदीक होने के कारण जंगली जानवरों की अधिकता रहती थी और हिंदी भाषा में बाघ कहे जाने वाले जानवर अधिकता में यहाँ आता रहता था। इसलिए यहाँ के लोगों का कहना है कि बाघ, जिसको कि मारवाड़ी भाषा में बाघ कहते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम बागेश्वर जी पड़ चुका है। यहाँ शिव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर था, इसलिए इसका पूरा नाम बागेश्वर जी महादेव हुआ। इस स्थान की विशेषता यह है कि यहाँ खुदाई में पुरानी मूर्तियां भी निकली है, जिन्हें देखने से पता चलता है कि यह स्थान काफी पुराना है। मंदिर के अंदर व आसपास के क्षेत्र में लगभग 16 समाधियां हैं, जिसमें एक जीवित समाधि भी है जिसको लोग परमहंस की समाधि के नाम से पुकारते हैं। भगवान शिव के मंदिर के पास गायत्री माता का मंदिर भी स्थित है। यहाँ गायत्री माता के दो स्वरूप विद्यमान है और एक स्वरूप यहाँ से कहीं विलुप्त हो गया है। इसमें पहला स्वरूप हंसवाहिनी प्रातः काल का है, मध्यान्ह की मूर्ति यहाँ से गायब है। वही सायंकाल की वृषभवाहिनी गायत्री माता का तीसरा स्वरूप है। यह मंदिर उस वक्त से भी पहले का है जब यहाँ अलाउद्दीन की सेना का आक्रमण हुआ था। यहाँ के मंत्रों के बारे में बात की जाए तो जहाँ तक जानकारी प्राप्त है, वहाँ से श्री श्री 1008 श्री नरसिंह गिरी जी महाराज, उनके बाद श्री श्री 1008 श्री रघुनंदन गिरी जी महाराज, फिर श्री श्री 1008 श्री बलदेश गिरी जी महाराज, इनके बाद श्री श्री 1008 श्री ऋषभ गिरी जी महाराज, उनके बाद श्री श्री 1008 श्री सूरज गिरी जी महाराज, फिर श्री श्री 1008 श्री रमेश गिरी जी महाराज व वर्तमान में यहाँ के महान श्री प्रेम गिरी जी महाराज विराजमान है। यह स्थान पहले नागा साधुओं का स्थान था जो कालांतर में बदल गया है। यहाँ के भक्तगणों व महंत श्री से हुई बातचीत में देखिए क्या कहा उन्होंने। बागेश्वर महादेव का मंदिर बाघ के नाम से प्रसिद्ध है। ये राजा वीरेंद्र देव के समय का मंदिर, इससे भी अधिक पुराना है, कई उसको 1200 साल के पुराना मंदिर कहते हैं। वेद माता गायत्री का भी मंदिर यहाँ आया हुआ है। ये भी करीब जब कुएं की खुदाई हुई थी एक बार, तो उसमें ये सब ये मूर्तियां निकली हुई है। वेद माता गायत्री का है, यहाँ त्रिवेणी संगम है। सुबह प्रातः काल संध्या वचन के लिए गायत्री बाल रूपा में है, मध्यान्ह की है और सायंकाल वृषभ में बैठी हुई है। ये हंस वाहिनी है, हंस पे बैठी हुई है। एक हाथ में इनका कमंडल है, एक हाथ में माला लगी हुई है, एक हाथ में भगवान शंख लगा हुआ है और एक पुस्तक धारणी है। ये सरस्वती भी है, सावित्री भी है, लक्ष्मी भी है। इसमें आरती में ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आदम नखम तुम शिव पटरानी, ये शिव की पटरानी भी है, सावित्री भी है, ब्रह्मा भी है और पूरे वेशभूषा में पूरे सोने के कमंडल लगे हुए हैं और पूरी माला सुगजित है। ये अद्भुत है, कहीं पूरे जालौर जिले में ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है। तो संध्या के लिए संध्याकालीनी देवी है, संध्या के समय इसमें संध्या होती है और ये वृषभवाहिनी है, सावित्री है, वृषभ पे बैठी हुई है। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में पुस्तक है। ये सायंकाल संध्या होती है उस समय की सावित्री कहते हैं इसको। संध्या दर्शन के लिए बहुत उपयोगी है। ये भी कुएं में से निकली है। सोलह समाधियाँ हैं यहाँ, एक फूल समाधि है फक्कड़ बाबा की है। ये बाबा जी होगी 16 समाधि और एक फूल समाधि है। कितना पुराना मठ है ये? इतना पुराना मठ है, इतने दिन की तो पता है, आगे तो पता नहीं कितना पुराना है, वो तो हम तो जानते हैं। अभी मौजूद में मैन थे कितने, 1200 साल से आगे का पता नहीं कितना पुराना है, वो तो हम तो आगे का जानने का।